दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने भी नोटिस किया होगा, पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट हैं जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर प्रॉपर रिसर्च और स्टडी भी कर रही हैं, और कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट है जो डायरेक्ट बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं। जितने भी इंडियन क्रिप्टो करेंसी यूजर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से। एक न्यूज़ पब्लिश हुई है जो कि सभी इंडियन क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि हमारे जो पीएम जी हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पर आखिरी फैसला ले सकते हैं। जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होने वाले हैं, बैन किया जाएगा या फिर नहीं। और थर्सडे को एक बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग की गई थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जितने भी रेगुलेटर्स काम करते हैं, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो या फिर सेबी हो या फिर फेरा हो, फेमा हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात कह ले या फिर RBI की बात कर ले, कहने का मतलब जितने भी रेगुलेटर्स काम करते हैं वो सभी लोग इन्वॉल्व जरूर रहे होंगे। और इसमें पूरी तरीके से बहुत अच्छे से चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, और जो चार ऑप्शन निकल करके आए हैं वो हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए जानना भी जरूरी है। और कहीं ना कहीं लोग ये चीजें सोचते भी रहते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन निकल करके आ रहा है इसमें यही लिखा हुआ है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए, जो भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं। लेकिन जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है जिसको हमने रेगुलेट नहीं किया है वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है। बहुत सारे जो क्वाइन मार्केट कैप वेबसाइट के अकॉर्डिंग की बात करें तो जो डैश क्वाइन है, वर्ज क्वाइन है, इन सभी ट्रांजैक्शंस को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनको हम लोग प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कहते हैं। लेकिन अभी तक कहीं भी कोई भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कौन कौन सी हैं किसी ने डिफाइन नहीं किया है। तो पहला ऑप्शन यह निकल करके आ रहा है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कंप्लीटली बैन कर दिया जाए, लेकिन यह मेरे हिसाब से कोई सोल्यूशन नहीं होने वाला है। दूसरा जो ऑप्शन निकल कर के आ रहा है कि पार्शियल बैन किया जाए, जैसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर दिया जाए। जो मार्केट में MLM कॉन्सेप्ट पर यहां पर क्वाइन आते रहते हैं, एक्सचेंजेस आते रहते हैं, कुछ क्वाइंस को बैन कर दिया जाए जो मार्केट में फ्रॉड और स्कैम करते रहते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। और उसके बाद में जो तीसरा ऑप्शन निकल करके आ रहा है वो ये है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से रेगुलेट कर दिया जाए, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में चल रही हैं सभी को अलाउ कर दिया जाए, सभी को रेगुलेशंस लगा दिया जाए, और मार्केट में जिस तरीके से लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं उसी तरीके से एज इट इज चलना चाहिए। चौथा ऑप्शन जो निकल करके आ रहा है वो ये है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी कुछ को अलाउ कर दिया जाए कि लोग इन्वेस्टमेंट कर पाए, ट्रेडिंग कर पाए, और जो टॉप कैटेगरीज के क्रिप्टो करेंसीज है उनको रेगुलेट कर दिया जाए। तो ये चार ऑप्शन निकल करके आ रहे हैं, डिस्कशन पूरी तरीके से अभी चल रहा है, अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक हम लोग देखते रहते थे मीडिया में पॉजिटिव की जगह निगेटिव न्यूज आती रहती थी कि बिटकॉइन बैन हो जाएगा, बिटकॉइन यूजर्स को जेल हो जाएगी, बिटकॉइन यूजर्स को तरह तरह की न्यूज आती रहती थी। और बहुत सारे जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी न्यूज जो नए यूजर्स थे वो लोग कहीं ना कहीं पैनिक कर जाते थे, डर जाते थे, जिनकी वजह से वो लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे। लेकिन आज यही मीडिया अब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को पॉजिटिव तरीके से दिखाना स्टार्ट कर दी है कि आई होप कि आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं वो मैच्योर हो चुके हैं कि न्यूज वाले निगेटिव हेडलाइंस क्यों डालते हैं। तो अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि बैन किया जाएगा। जो फ्रेमवर्क तैयार हो रहे हैं, जो बैन को लेकर यहां पर बात होती थी वो आज बैन से हटा दी गई हैं। उनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च स्टडी चल रही है, फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां पर जो अभी आप लोगों ने भी देखा होगा क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 है, वो पार्लियामेंट में विंटर सेशन में चल रहा है और आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपने पॉजिटिव या नेगेटिव विचार हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हां
अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स हैं, इसलिए आप लोग बच करके रहिएगा। जितने भी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।